मम्मी बहुत ही अच्छे अचार बनाती है, सूरन का हो, आम का हो, मिर्च। जब वो शादी करके जाएगी तो उसको बना बना के दूंगी ना। बता दो गाय कैसे बोलती है? ऐसे नहीं बोलती। गग्गा कैसे बोलती है? साइंस पढ़ी है लेकिन अब इतने अच्छे से याद नहीं। वो साइंस से नहीं मिला ना उनका पारा गर्म हो जाता है। सरप्राइज विजिट दिया उन्होंने हमें, हम बहुत खुश हुए। लग रहा है कि जैसे मिट्ठू को कंजक्टिवाइटिस के थोड़े से लक्षण लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। सो आज है संडे, विच मींस आज है व्लॉग डे। सो आज है 5 फरवरी, फरवरी महीने का पहला व्लॉग। और फरवरी बहुत ही छोटा सा महीना होता है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स बनाएं, है ना मम्मी? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और संडे है तो सब फ्री है, तो बहुत ही लेट लेट सब चल रहा है। और मम्मी आज लगी है, आज मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार। यस, ये देखिए यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। मैंने थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, मम्मी बहुत ही अच्छे अचार बनाती है, सूरन का हो, आम का हो, मिर्ची का हो, कटहल को कटहल का हो, आपका भी अचार बना देगी बहुत ही डिलीशियस सा। सुबह से बनाने लगी है, मैंने सोचा कि शेयर कर दूं वरना फिर सब मिक्स मिक्स करके रख देगी और फिर हम लोग व्लॉग नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले मिर्ची का अचार सीखते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है और मम्मी इंस्ट्रक्शंस देगी। ये है मिर्ची का, मिर्ची जो मैंने काट लिया है ऐसे, कुछ ऐसे आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, कुछ कटी हुई नहीं। यहाँ पे सारे मसाले हैं, मसालों में क्या क्या है मम्मी? ये है मगरेल, और ये है घर का मसाला, इसको वो भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कलौंजी। हाँ, कलौंजी सीड्स। ये है घर का मसाला, इसको हमारे यहाँ पे कन्यामन बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है मम्मी? इसमें धनिया, मेथी, राई और क्या बोलते हैं सरसों। राई और सरसों एक ही हो? राई सरसों अलग अलग होती, सरसों पीली होती है, राई काली होती है। नाइस। और ये है हींग, हींग लेंगे बेहतरीन सी। ये है अमचूर पाउडर। यस। ये नमक, ये हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए। और यहाँ पे तेल यहाँ गरम कर लिए हैं। चलो तो सरसों का तेल गरम कर लिए हैं, अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे, मसाले तेल में। ये डाल दिया हमने अमचूर पाउडर, ये है मसाला कन्यामन, अचार का मसाला भी बोल सकते, अचार का मसाला, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, रोटी में खा सकते हैं। हल्दी डाल दे रहे हैं, हल्दी आपकी कैसी चढ़ती है उस हिसाब से आप हल्दी डाल सकते हो। हम जो हल्दी लेते हैं वो थोड़ी में ही काम तमाम कर देती है, तो इसीलिए इतनी। बाकी कुछ जो देसी हल्दी होती है वो इतना जल्दी नहीं चढ़ती है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हल्दी कितना रंग देती है। थोड़ा सा हींग, हींग लिए हैं चुटकी भर से, थोड़ा सा ज़्यादा है ना। कश्मीरी लाल मिर्च हम यहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइस नहीं होता है ज़्यादा, ये तो कलर के लिए। हाँ, पर इससे कलर थोड़ा सा अच्छा जाता है, डीप रेड कलर। बाकी मिर्ची का अचार है तो वो तो वैसे ही तीखा होने वाला है। बस सब मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये तैयार हो गया है हमारा अचार का पेस्ट, और इसमें डाल देंगे मिर्ची, और ये गई धड़ाधड़ मिर्ची अंदर। गैस अभी हमने बंद कर रखी है, तेल को हल्का सा गरम कर लिया था, तो गरम तेल में ही आपको इसे इस तरीके से धूप में रखना पड़ता है ना। इसको अब आप कंटेनर में भर लें। तो ये तैयार हो गया मिर्ची का अचार। इसको जो असली सॉफ्टनेस और ये जो असली में पकेगा वो धूप से पकेगा, गैस में सिर्फ तेल गरम करना है, और तेल जब हल्का सा गुनगुना हो तब सारे मसाले मिक्स करने हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा सा सीख ले रही हूँ, मुझे भी मेरी बेटी के लिए काम आएगा। जब वो शादी करके जाएगी तो उसको बना बना के दूंगी ना। तो बस अब इसे हम कंटेनर में भर लेंगे और धूप में रख
देंगी। मम्मी को मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, व्लॉग मुझे शुरू करना था, मतलब मम्मी तो सुबह ही अचार बना देती, बट मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा रुक जाओ, व्लॉग बना लेने दो मुझे, ठीक है, मैं शेयर कर दूँ अपने दोस्तों के साथ भी कैसे बनाते हैं मिर्ची का अचार, नहीं तो कब का बन चुका होता। तो यस, आज का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट, नहीं लेट्स कंटिन्यू। सो इसमें थोड़ा सा नमक चीख लेंगे, अगर आपको रंगत में कमी लग रही है तो थोड़ी सी हल्दी डाल लो, अगर टेस्ट में नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लो। बेसिकली आपके घर के अचार के लिए तो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट कर लोगे तो वो खराब हो जाएगा। जब सबरी ने बिना चखे राम को नहीं खिलाए बेर, तो हम तो फिर भी इंसान हैं तो बिना चखे कैसे खाएंगे, है ना माँ? तो इसीलिए टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग कहते हैं ना टेस्ट करके नहीं खाना चाहिए, होंगी लोगों टंड होंगी वो सब मोह माया है। हलवाई भी जो इतने बड़े लेवल पे खाना बनाते हैं ना, वो सब टेस्ट करके, वरना जो हम खाना खाते हैं पार्टीज में और सब जगह, वो कैसे स्वाद में आएगा, है ना? अब इसको भर देना है कंटेनर में, आप चाहो तो ग्लास का कंटेनर ले सकते हो, हम लोगों ने एक टिफिन लिया है, एयर टाइट कंटेनर है ये, करके इसे एक हफ्ते के लिए धूप में रख देंगे। तो बन गया हमारा मिर्ची का अचार, देखा कितना झटपट बन जाता है, बस आप इतनी सी मेहनत बचाने के लिए बाजार से लेकर के आते हैं मिर्ची का अचार कोई बात नहीं। और ये रही मेरी बेटी, गुड मॉर्निंग कर दो मिट्ठू सबको। अरे बाबू टीवी देख रही है। तो बस हम लोग का सबका चाय वाय पी के हो गया, नाश्ता हम लोग ने नहीं किया आज। अरे बाबू मिट्ठू को आजकल मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है ना मिट्ठू? मिट्ठू को मुझ पर बड़ा प्यार आता है आजकल, है ना मिट्ठू? गाय कैसे बोलती है मिट्ठू? गाय कैसे बोलती है बता दो, गाय कैसे बोलती है? ऐसे नहीं बोलती, गग्गा कैसे बोलती है? गग्गा। अच्छा गाना तो सुना दो फ्रेंड्स लोगों को, आपके अंकल आंटी दीदी भैया लोग को गाना तो सुना दो, सुना दो गाना। कैसे गाना गाती है मिट्ठू? मिट्ठू आजकल गाना भी गाना सीख गई है ना मिट्ठू? नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाओगे गाना? नहीं सुनाने को बोलती गाना सुना दो, गाना सुना दो। नहीं सुनाओगे? आज उसका मन नहीं है, वो दिन में जब कभी गाना सुनाएगी ना तो हम आपको रिकॉर्ड करके सुनाएंगे। बहुत ही अच्छे सुर देती है, बहुत ही अच्छे से गाना गाती है, एकदम सुर लय ताल। कैसे गाना सुनाती? ये देखो, अले बाब अले, अले बाब अले, देखो सो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, आज हमारा जो लंच होने वाला है वो होने वाला है एग करी। बहुत टाइम बीत गया है, हम लोगों ने एग करी नहीं खाई, सो यस आज सोचा कि संडे भी है और एग करी बना लेते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में चढ़ाने हमारे एग्स, बॉईल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पानी और इसमें अब मैं डाल दूँगी नमक। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नमक डालने से क्या होता है कि एग, ये जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। साइंस पढ़ी है लेकिन अब इतने अच्छे से याद नहीं है, ऐसे ही कुछ है। तो उससे क्या होता है कि एग अगर फूट भी जाए ना पानी में तो वो एग शेल के अंदर ही रहते हैं और वो बाहर आकर के पूरे पानी को गंदा नहीं करते। विनेगर भी डाल सकते हैं, सो या और इसी पानी में अब हम डाल देंगे हमारे एग्स। चम्मच से धीरे धीरे या फिर हाथ से भी एक एक करके हम ये सारे एग्स जो हैं वो पानी में छोड़ देंगे। मेरे पास टोंग्स भी है यार, तो मैं इस टोंग से भी कर सकती हूँ। ये जो मैंने मिट्ठू के लिए बॉटल्स मंगाए थे ना उसमें आए थे, तो मैं इससे भी डाल सकती हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ टोंग्स जैसा है तो इससे भी आप डाल सकते हो।
तो आज हम 10 एग्स की बना रहे हैं अंडा करी। हम लोग खाने वाले हैं 3 लोग 4 लोग। मम्मी नहीं खाती तो मम्मी के लिए अलग से सब्ज़ी बनाएंगे, बट अगर मिट्ठू के पापा आए तो वो भी खा लेंगे, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, घर बुलाने नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे डाल दिए मैंने एग्स, इसको हार्ड बॉईल करेंगे 12 मिनट के लिए। तो अभी इसको लो फ्लेम पे रखेंगे, लो फ्लेम पे जब अंदर का जो लिक्विड है वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा तब गैस को आप चाहो तो हाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। इसको पका लेते हैं फटाफट से, और मिट्ठू रो रही है, सोना है शायद उसको। सो मिलते हैं, थोड़ा सा एक बॉईल हो जाए जब बनाना शुरू करूंगी, उसके बीच में अगर कुछ करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। करीब 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये मेरे अंडे उबल गए हैं, आप देख सकते हो एक भी नहीं फूटा। और इनकेस अगर ये फूट भी गया है पर उसका जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आया। को मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया हुआ है, इन सबको मैं निकाल के तुरंत डाल दूँगी ठंडे पानी में टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। आज मिट्ठू खाएगी एग करी। ये मैंने ठंडे पानी में, और एक बार थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको छीलना स्टार्ट करेंगे। तो एक मैंने छील के देखा है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से बॉईल हो गया है, बाकी के पानी में है और ये हम और मिट्ठू खाएंगे। तो अभी मैं एग्स को छीलने लगी हूँ, और सबसे पहले इसको इस तरीके से आप प्लेन सरफेस पे चिटका लो, फोड़ लो, उसके बाद पानी में डाल दो। इससे क्या होता है कि अंदर का जो एग है और बाहर के शेल के बीच में पानी भर जाता है, तो इससे छीलने में आसानी होती है, ऐसा मैं नहीं बड़े बड़े शेफ कहते हैं, तो बस उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। और रियली में ऐसा करने से बहुत ही अच्छे से एग्स छिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से सारे एग्स छील लेते हैं, फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे हमारी एग करी। आप इस तरीके से हाथों के बीच में रोल भी कर लोगे तो बहुत आसानी से एग छिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के और अब सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। मम्मी ने यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है, ऑलमोस्ट प्याज कट गए हैं, लहसुन छिल गए हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारे छिले हुए अंडे हैं इनको सीजनिंग करेंगे। इसकी फुल रेसिपी आप मेरे शॉर्ट्स के वीडियो में देख लेना, अब मुझे शॉर्ट्स के लिए भी शूट करना है और मेरे पास फोन एक ही है अभी। तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी कोटिंग आ जाती है और अंडे थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा हमने हल्दी और लाल मिर्च का मिक्सचर डाला है इसमें अंडों को कलर देने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे एग करी बन रही है और साथ में मम्मी ने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जैसे ही सब्जी बने तो पापा को दे दे, क्योंकि पापा का टाइम हो चुका है लंच का, 1 से 1.5 के बीच में उन्हें खाना चाहिए होता है। हम लोग का क्या है, हम लोग थोड़ा लेट ही खा लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, पर उनको टाइम से नहीं मिला ना तो उनका पारा गर्म हो जाता है। ये बन रही है रोटियाँ, एंड ये रही पापा की थाली, मस्त एग करी विथ रोटी एंड सम सैलेड। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्च और नमक, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा सा नमक कम खाते हैं और मिर्ची कम खाते हैं, और एग करी में जब तक मिर्ची ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो एग करी बन गई है और अब मैं मम्मी के लिए दाल फ्राई कर रही हूँ। तो मम्मी ने बोला कि सब्ज़ी मत बनाओ अलग से, रात को बना लेंगे, अभी कल की दाल बच गई थी तो उसी को फ्राई कर लो, उसके साथ खा लेंगे, शाम को सब्जी खा लेंगे। तो अभी मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद हम लंच करेंगे। हमारा लंच रेडी है फ्रेंड्स, रोटी विथ एग करी। मम्मी का खाना चला गया है, दाल ले गई मम्मी, जी रही मम्मा। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से खाना बनाने लगी हूँ। दाल हमने बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं, मिट्ठू की बुआ आई है फ्रेंड्स, सरप्राइज विजिट दिया उन्होंने हमें, हम बहुत खुश हुए।
सो ये रही थाली और अब हम ये दे देंगे मिट्ठू की बुआ को। वो रहे मिट्ठू के डुगू भैया फ्रेंड्स, आओ हाय बोलो सबको। हाय, आप लोग इनसे मिले होंगे मिट्ठू के मुंडन के व्लॉग में, इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी, याद है? हाँ हाँ, ये आज आए हैं मिट्ठू से मिलने, सरप्राइज दिया है ना। हाँ, बताया भी नहीं कि हम आ रहे हैं। कैसा लगा मिट्ठू से मिलके डुगू? बहुत ज्यादा अच्छा है। परसों के डुगू भैया, मिट्ठू तो सो गई है, डुगू भैया मिलाएंगे सबसे, ठीक है? मम्मी हेलो करो। हेलो हेलो, डुगू सॉरी शूटिंग कर रहा है, ये देखो भैया छोटा सा। अभी मैं बना रही हूँ मिट्ठू के डुगू भैया के लिए चाय। डुगू चाय पीते हो? हाँ। टोस्ट के साथ खाओगे कि बिस्किट के साथ? टोस्ट। ओके, तो अभी हम लोग पियेंगे चाय, यहाँ पे बन रही है चाय, और खाएंगे बिस्कुट। और कुछ खाओगे? नहीं, बस टोस्ट ही खाऊंगा। ओके। अभी मैं बनाने लगी हूँ मैगी, मिट्ठू के पापा ने बोला है मैगी खाने के लिए आज। सो फ्रेंड्स करते करते मेरा पूरा दिन किचन में ही निकल गया, बट अच्छा है, आई जस्ट लव कुकिंग। मतलब कुकिंग इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ये बन रही है मेरी मैगी, ढेर सारे मटर वाली, क्योंकि मिट्ठू के पापा को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रही मैगी के केक। चलो खिलाते हैं, देख लो। ये है मिट्ठू का छोटा भाई। हाँ देख लो, दूध अपनी बोतल नहीं पकड़ रही, उसकी बोतल लेने के लिए। चिंकी चाइनीज है ये, शेजवान नूडल्स। गिर जाएगा, गिर जाएगा, देख लो इसको। हाँ, किसी कर दो मिट्ठू, किसी कर दो, किसी कर दो बाबू को। हाँ, पकड़ा दो, पकड़ा दो। देख रही है छोटा सा चूजा कौन है। सो फ्रेंड्स, चले गए हैं सब लोग, और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मिट्ठू को कंजक्टिवाइटिस के थोड़े से लक्षण लग रहे हैं। मिट्ठू को जब से शाम को वो सो करके उठी है, तब से थोड़ा सा कीचड़ सा आ रहा था आँख में, और लाल लाल सी हो रही आँखें, तो कंजक्टिवाइटिस के ही लक्षण लग रहे हैं। तो अभी मम्मी गई थी लेने मिट्ठू के लिए दवाई, वो एक ऐसा पुचपुची टाइप से आता है, उसको हम लोग अपनी देसी भाषा में पुचपुची बोलते हैं आँख की। या आप ये देख सकते हो कि ये वाली आँख मिट्ठू की थोड़ी सी आंसू भी आ रहे हैं, थोड़ी सी रेड रेड सी भी आपको समझ में आ रही होगी, है ना मिट्ठू? पता नहीं कैसे हो गया। सो अभी दवाई डालेंगे। बच्चों के साथ ना यही होता है कि वो बेचारे कुछ बता नहीं सकते कि दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो अभी मैं बर्फ़ से मिट्ठू की आँख सेक रही हूँ। पापा ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा करके आँख सेको, उससे भी आराम मिलेगा। सो दवाइयाँ कम प्रेफर करते हैं हम लोग, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि होम रेमेडी से ठीक हो जाए, और इसमें इतना मज़ा आ रहा है ना मिट्ठू को। मिट्ठू को बड़े मज़े आ रहे हैं। आँख में नहीं।
आँख मिलाना आँख में, आँख देख लो। सो यस, दिस वाज इट। आज का डे थोड़ा सा, आई डोंट नो, भी जब मैं इसको एडिट करूँगी तब समझ में आएगा कि कैसा दिन था, शॉर्ट लॉन्ग वट एवर, बट अच्छा दिन था। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड ऑल्सो मिट्टू का भी, मिट्टू के लिए जो नानी दवाई लेकर के आई थी वो हमने लगा दी है। आई होप कि कल तक वो ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चों को अगर मतलब कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे इतने इरीटेट होते हैं। सो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड। Yes, that's fine.